देखिए, आप लोग मुझे सुन रहे हैं बहुत दिनों से, कोई नया तो नहीं सुन रहे हैं। मेरी विचारधारा जो थी वो हमेशा राष्ट्र प्रथम की विचारधारा रही है। मैं जेडीयू में रह के भी इसी राष्ट्र प्रथम की विचारधारा में रहता था, जिसके कारण बहुत लोगों को मुझसे प्रॉब्लम भी होती थी। तो ये एक नेचुरल चॉइस था मेरे लिए, और नरेंद्र मोदी जी सबसे बड़े फैक्टर हैं जिसने मुझे यहाँ पर ड्राइव किया। अमित शाह जी हमारे गृहमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब, ये तमाम लोगों फैक्टर हैं जिसने मुझे ड्राइव किया कि मैं अपने वास्तविक घर में वापस आ जाऊं। अगर बात बिहार की करें तो आनंद मोहन से लेकर बहुत से जो और कैदी हैं उनको रिहा किया गया है, जेडीयू की तरफ से उन लोगों की रिहाई करवाई जा रही है जो अब एक तरीके से पार्टी मिलकर बन रही है, तो किस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से जो मैंने अभी कहा कि मैंने अभी कहा कि ये कॉन्ट्राडिक्ट, नीतीश कुमार बहुत लोग पलटी मार कहते हैं तो सच्चाई है, वो अपने उन्होंने स्वभाव के हिसाब से किया है। 2012 में इसी जेल मैनुअल को 87 ईयर्स के बाद नीतीश कुमार ने ही बदला था, उन्होंने ही एक क्लॉज डाला था कि अगर सरकारी सेवक की हत्या होगी तो उसको कभी रिलीज नहीं किया जाएगा। 2012 में ये काम क्यों किया था आपको पता है? क्योंकि बहुत सारे कैदी छूटने वाले थे 14-15 में, जिनको नहीं छोड़ना था। आज ये काम इसलिए किया है क्योंकि आनंद मोहन और बाकी कैदियों को छोड़ना था। लिस्ट निकाल के देख लीजिए कौन कौन छूटे हैं, एक से एक दुर्दांत छूटे हैं। क्या दलितों की हत्या करने वाले को, क्या नरसंहार में शामिल रहने वालों को सिर्फ इसलिए छोड़ जाएगा कि वो अमुक जाति से हैं? सवाल ये है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।